Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog, and this is Shubham Subs. For the new viewers, I need to say every time, and मुझे आपसे कुछ बहुत ही जरूरी और गंभीर बातें करनी हैं और अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है जो कि कल मेरे साथ हुआ जब मैं स्टेशन पे था. वेल, मैं एक्चुअली भी आ रखा हूँ जमशेदपुर में, एंड मैं जब स्टेशन पे गया टिकट लेने, तो वहाँ पर एक लेडी थी टिकट काउंटर में और रात के कुछ 12 बज रहे थे. एंड मैं जैसे ही गया टिकट लेने, तो मैंने टिकट का पहले प्राइस पूछा, क्या टिकट लगेगी. शी सेड कि 115 रुपये लगेंगे. मैंने ओके, तो मैंने 100 के दो नोट निकाल के उनको दिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना चेंज नहीं होगा. तो मैंने, मैम मेरे पास 150 है, तो आप 150 का चेंज दे दो. तो उसका सडन रिएक्शन ऐसा था कि मैं कहाँ से लाऊंगी चेंज. मतलब शी वॉज स्क्रीमिंग एट मी, एंड विच वॉज नॉट एट ऑल गुड. मेरा दिमाग उस समय बहुत ज्यादा खराब हो गया, एंड मैंने तुरंत कहा कि ठीक है, मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो में बोलो. एंड मैंने वीडियो जो बनाई, उसमें दिस जैसे अभी जो आप वीडियो देखने वाले, जैसे उसमें चिल्ला रही थी, सेम टू सेम वैसे ही वो चिल्ला रही थी. तो अब आप लोग देखो वाली वीडियो. तो ये तो लिखा पड़ा ना, गवर्नमेंट लिखा हुआ है. आप बोल इसको पढ़ा, क्या बना रहा मेरा टाटा नगर. तो जैसा आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, इन्होंने ये ऐसे बात करी जैसे मैं इनका एक स्टूडेंट हूँ और ये मेरी टीचर है, जिस टोन में ये चिल्ला रही थी. ये चिल्लाने के बाद मैंने कहा, मैम आप प्लीज अपना एटीट्यूड मत दिखाओ मेरे को, आप एक पब्लिक सर्वेंट हो, आप मेरे को अपना एटीट्यूड मत दिखाओ, मेरे को चेंज चाहिए और मेरे को टिकट चाहिए, आप अभी दो. मैं नहीं दूंगी टिकट, तुम यहाँ से. फिर उन्होंने तुम आ गई, तू तड़ाक में, एंड वो कहने लगी तू यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं RPF को बुलाऊंगी. तो मतलब भाई, मैं टिकट के लिए मैं चेंज नहीं लेके आया हूँ, ठीक, तो वो चेंज नहीं लाने के लिए RPF को बुला रही है. बहुत बढ़िया. एंड फिर मैंने कहा ठीक है, चलो बुलाओ, मैं आपको जिसको बुलाना है आप उसको बुलाओ, मेरी कोई गलती नहीं, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, ठीक है. एंड खड़ा था इन द सेंस, मैं अकेला ही खड़ा था, कोई लाइन नहीं थी कि मैं लाइन में सबको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं थी. मैं अकेला खड़ा था, मैंने उनकी वीडियो बनाई, तो अब उनको भी मेरी वीडियो बनाने का शौक था, ठीक है. तो वीडियो कैसे बना रही थी, उनका फोन जो था ना, ऐसे नहीं ऐसे था, ऐसे वो वीडियो बना रही, यहाँ से पता नहीं यहाँ कौन सा कैमरा लगा था उनके फोन में, वो ऐसे वीडियो बना रही थी. फिर जब RPF की धमकी मुझे 4-5 बार मिलने लगी, तब मैंने अपने पापा को फोन किया कि पापा देखो, ऐसे ऐसे एक है लेडी, वो इस तरह से मेरे साथ बिहेव कर रही है. पापा वहां तुरंत आए, पापा ने आगे तुरंत 5 रुपए दे दिए, सब चीज क्लियर कर दिया, ठीक है. लेकिन तभी वो लेडी फिर भी चिल्लाना शुरू था, तो तभी मैंने क्या किया, मैंने फिर से अपना फोन उठाया और वीडियो बनानी शुरू कर दी. तो अगला वीडियो देखो हुआ क्या. अरे कौन नेतागिरी कर रहा है, जबरदस्ती की बात कर रहा है, क्या नेता दिखाया ये, क्या नेता दिखाया ये, नेतागिरी जबरदस्ती आप फालतू बात कर रहे हैं, नेतागिरी क्या दिखा रहे हैं, नेता ही है, छोटा सा बच्चा 18 साल का नेतागिरी दिख रहा है, जबरदस्ती नेता क्यों बोल रहे हैं, कौन चिल्ला रहा है, बात ऐसी कर रहे हैं आप, नहीं चिल्ला रहे, चलो तो डालूंगा. जैसा आप लोग देख रहे हो, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, एंड वो जो लेडी थी वो इतना बड़बड़ा रही थी, इतना बोल रही थी, कि जिसकी वजह से पापा को भी एट लास्ट चिल्लाना पड़ा उनके सामने, क्योंकि वो हर एक लाइन में मुझे नेता घोषित कर चुकी थी. तो ये था मेरा कल का एक्सपीरियंस. पहली चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि वो लेडी जो थी वो डैम कॉन्फिडेंट थी कि मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, बिकॉज उन्होंने कहा कि तुमको जो करना है कर लो, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता. ये उनका जो था एक सेंटेंस था, एक उनका फ्रेज था कि तुमको जो करना है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है. एंड फिर मैंने कहा ठीक है, मैं वीडियो डालता हूँ आपकी यूट्यूब. हाँ डाल दो. जब मैंने यूट्यूब का नाम लिया ना, तो उनकी जितनी भी चिल्लाहट थी, जितनी भी चीखे थी, वो एकदम प्यार से हाँ डाल दो, ठीक है, मैं तो नहीं चिल्लाई. शी वॉज लाइक दैट. कैसे ये देखो, मुझे कोई लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं चाहिए, बस मुझे ये चाहिए कि मैं आगे करूँ क्या, क्योंकि गवर्नमेंट पीपल, उन्हें सरकारी नौकरी का बहुत ज्यादा घमंड है, तो वो घमंड तोड़ना पड़ेगा. और इंडियन रेल, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया सिर्फ एग्जाम के तौर पर मत सेलेक्ट करो किसी को भी, टेक पर्सनल इंटरव्यू जैसे कि प्राइवेट जॉब में लेते हैं,
एंड पर्सनल इंटरव्यू में भी ना ये जो ये होता है ना टेबल के नीचे वाला मत करो। ट्रैवलर्स जो भी आएंगे ना हमारे देश में अगर वो सेम ऐसा चीज फेस किए तो ये हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक बात होगी। ठीक है, मैं यहीं पे अपनी वीडियो एंड करता हूँ, आगे और व्लॉग जाएंगे। ये व्लॉग मैं जल्दी जल्दी में सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया, तो इसी के साथ बाय-बाय।